ईथर एनर्जी इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार में उजाले की तरह है और हर नए मॉडल के साथ इन स्कूटर्स में सिर्फ सुधार हो रहा है। ये बेंगलुरु की कंपनी अब पूरे भारत में अपना व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है अपने दो नए मॉडल्स के साथ, ईथर 450 प्लस और ईथर 450X। ये है नई ईथर 450X प्रोडक्शन स्पेक वर्जन में, जो हमने जनवरी में चलाई थी वो एक प्रोटोटाइप था और ये वही स्पेक है जो अब कस्टमर्स को डिलीवर होगा। लेकिन हम इसे बेंगलुरु में नहीं चला रहे हैं जो ईथर का घर है, हम इसे चला रहे हैं आमची मुंबई में, उन शहरों में से एक जहां ईथर अपने पैर पसारने वाली है। इसके साथ ही हमें एक मौका मिल रहा है इसके साथ रहने का और ये पता करने का कि यह हमारे वातावरण में कैसे चलती है, इसका रेंज कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है और क्या ये वो सारे डे टू डे टास्क कर पाती है जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर ही तो है पर्सनल मोबिलिटी का भविष्य। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक भविष्य का, और इसलिए हम आए हैं आरे फॉरेस्ट में। ये मुंबई शहर का लास्ट इकोलॉजिकल जोन है और बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि इस शहर को साफ हवा यहीं से मिलती है। पुरानी 450 से तुलना करें तो नई एक्स के साथ बड़ा लिथियम आयन बैटरी पैक आता है जो 2.9 किलोवाट आवर क्षमता रखता है। वहीं इसका इलेक्ट्रिक मोटर अब 6 किलोवाट यानी 8 bhp की ताकत पैदा करता है। ये 450 से हल्का है और इसका एहसास आपको चलाकर देखने पर इसकी रफ्तार से हो जाएगा। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ईथर 450X में जो एक्स फैक्टर है वो लाता है एक बेहतर बैटरी पैक और एक बेहतर मोटर जो बनाता है 26 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। ईथर 450 के मुकाबले ये 6 न्यूटन मीटर ज़्यादा है और इसका असल जो आपको फ़र्क है वो पता चलता है वॉप मोड में, जो आपकी रोलिंग एक्सेलरेशन है, जो 20-60 किलोमीटर्स के बीच की जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाती है और आपको एक बूस्ट मिल जाता है पावर के ऐसा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक डाउनशिफ्टिंग इन अ पेट्रोल इंजन। लेकिन जो मज़ा है वो इसके हैंडलिंग में भी है। जो चैसी सेटअप है वो बहुत अच्छा है और राइडर के साथ एक कनेक्ट बन जाता है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खासकर, वो राइडर फ्रेंडली नहीं होते लेकिन एफिशिएंट हो जाते हैं। ईथर वैसा नहीं है, ईथर 450X राइडर फ्रेंडली भी है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ईथर 450X को 4 राइडिंग मोड, इको, राइड, स्पोर्ट और वॉप में पेश किया गया है, जिसके वॉप मोड में आपको सबसे ज्यादा टॉर्क मिलता है। इको मोड में स्कूटर आराम से चलती है, वही वॉप मोड में ये तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है। ईथर ने स्कूटर की ग्रेडेबिलिटी को 20 डिग्री तक बेहतर किया है और इसमें इतनी ताकत है कि पीछे बैठी यात्री के साथ स्कूटर फ्लाईओवर चढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेती है और 0-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 3.3 सेकंड में पहुंच जाती है। वहीं 0-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने के लिए इसे 6.5 सेकंड का समय लगता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ वाइब्रेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक मोटर से काफ़ी आवाज़ आएगी यानी थोड़ी वाइन आएगी। इसके अलावा आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड पर थोड़ी हलचल महसूस होगी फ्लोरबोर्ड पर। इसके साथ ही ईथर ने 450X के वजन के बंटवारे में भी बदलाव किया है। अगला हिस्सा हल्का है, जिसका कारण हल्का डिजिटल कंसोल और हैंडल बार है जो इस स्कूटर को और फुर्तीला बना देती है। 450 के मुकाबले में स्कूटर के भार में 4 किलोग्राम की कमी आई है और जब आप इसे चला रहे होते हैं तो इसकी दिशा बदलना बहुत आसान हो जाता है। 450X का सस्पेंशन पहले से ज़्यादा सख्त है और मोड़ पर ये थोड़ी और अधिक भरोसेमंद लगती है। इसके राइड क्वालिटी में भी सुधार किया गया है और मामूली रूप के कच्चे रास्ते और उतार चढ़ाव वाली सड़कों पर यह स्कूटर आराम से चलती है। पिछले हिस्से में लगा मोनोशॉक कम रफ्तार पर थोड़ा उछलता है और ये आपको कभी कभार परेशान कर सकता है। MRF के टायर्स के साथ 12 इंच के अलॉय व्हील्स आपको बेहतरीन अनुभव देते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर के सबसे मजबूत पक्षों में इसकी दमदार ब्रेकिंग बनी हुई है। इस स्कूटर को चलाते रहने पर आपको समझ आता है कि इस स्कूटर की रेंज आखिर कितनी कारगर है। चढ़ाई पर या लगातार तेज रफ्तार पर भगाने पर इसकी बैटरी जल्दी उतरती है। तो यहाँ सवाल जरूर उठेगा कि ये बैटरी आखिर कितनी देर में चार्ज होगी। और हमने इसे लगा दिया है चार्जिंग पे, तो लगभग 3 घंटे में हमको मिलेंगे 85% की बैटरी और वही 100% की बैटरी को चार्ज होने में लगते हैं 5 घंटे। और इसका जो रेंज है वो है 85 यानी 85 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अगर आपकी सिटी ड्यूटीज़ है तो इसमें ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं, अच्छे से चलेगी। और अगर आपकी घर में चार्जिंग पॉइंट है तो सबसे बेहतर है। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो वैल्यू कोशेंट है वो बढ़ जाता अगर इसकी चार्जिंग होती 100 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज, वो भी इको मोड में जो इसका ट्रू रेंज है। क्योंकि अगर आप इसे वॉक मोड में देखते हो तो इसका चार्ज गिर जाता है 50 किलोमीटर्स पर और वो आपको परफॉर्मेंस से कॉम्पेंसेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये एथर 450X है तो इसकी जो चार्जिंग बेनिफिट है वो भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जो 450 है वो हाल ही में डिसकंटिन्यू किया गया और उसके मुकाबले ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी और महंगी भी है, तो जो वैल्यू कोशेंट है वो थोड़ा कम लग जाता है। और हम क्योंकि इसे रोज़मर्रा अभी यूज़ कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि जो 85 किलोमीटर्स है वो अगर 100 किलोमीटर होता तो बहुत अच्छा होता। एथर का दावा है कि एक चार्ज में 450X 85 किलोमीटर चलती है, लेकिन ये सिर्फ इको मोड का आंकड़ा है। राइड मोड पर ये घटकर 75 किलोमीटर हो जाता है, वहीं वॉक मोड में रेंज घटकर 50 किलोमीटर तक जाती है। अगर आप इस स्कूटर को लेकर 70 से 80 किलोमीटर का सफर करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक हाइपोमाइलिंग की जरूरत होगी, लेकिन इसकी कथित रेंज आपको मिलती जरूर है। एथर एनर्जी ने 450X के टच स्क्रीन कंसोल को एंड्रॉयड से चलने वाला बनाया है। ताज़ा ओवर द एयर अपडेट के साथ इस सिस्टम पर गूगल मैप चलाया जा सकता है जो मोर दर मोर आपको रास्ता बताएगा। इसमें आपको अपना मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 450X में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्क असिस्ट, डिजिटल डॉक्यूमेंट लॉकर, अपने आप बंद होने वाले इंडिकेटर्स और बहुत सारे कई फीचर अंतर्गत दिया गया है। एथर अप्रैल 2021 से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प भी मुहैया कराने वाली है, जिसकी मदद से आप इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस के साथ साथ म्यूजिक के कंट्रोल्स भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से इस्तेमाल कर सकते हो। एथर 450X मुकाबले के हिसाब से एक लौती स्कूटर है जिसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है, लेकिन देश भर में फिलहाल चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था काफी सीमित मात्रा में है। जैसे जैसे एथर भारत में नए शहरों में अपनी पैर जमाएगा, वैसे वैसे कंपनी पब्लिक प्लेस में फास्ट चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था करती जाएगी। 450X को पैनी और अत्याधुनिक डिजाइन दी गई है जो ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त है। कंपनी ने नए 450X को नए रंगों में पेश किया है, वहीं इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूटर पहले की तरह LED लाइटिंग, पतले पैनल्स और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है जो हर तरह से मजबूत लगता है। इसका सीट का कद अन्य मॉडल के मुकाबले थोड़ा अधिक है, वहीं पैर रखने की जगह भी काफी हाइट पर है, यानी ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है खासकर लंबे लोगों के लिए। इसके वजह से कई बार मोड़ पर आपके घुटने हैंडल बार से टकरा जाते हैं। नई एथर 450X की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,60,000 रुपये तक है, जो साधारण 450 के मुकाबले 50,000 रुपये तक अधिक है और ये काफ़ी बड़ा मात्रा है। लेकिन आपको 450 प्लस वेरिएंट भी मिल जाता है जो किफ़ायती है और 450X के मुकाबले 20,000 रुपये सस्ता भी है। हालांकि इस मॉडल में कई सारे फीचर्स नदारद हैं और इसमें टॉर्क भी कम दिया गया है। इसके लिए ज़रूरत है कि राज्य सरकारों द्वारा और सब्सिडी मिले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो इन्हें और किफ़ायती बना सकें ताकि ग्राहकों की रुचि बढ़ सके। भारतीय बाज़ार में नए 450X का सबसे नज़दीकी मुकाबला बजाज चेतक और TVS iQube से है। ये दोनों ही मॉडल 450X के मुकाबले में काफ़ी सस्ते हैं। नई एथर 450X कदकाठी में आपको खुश कर देने वाली है और ये उम्मीदों पर ऐसे खरी उतरती है कि आप इसके कुछ खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें शामिल है इसका रेंज और इसकी कीमत। हमारे देश में कुछ ही ऐसे स्कूटर हैं जिन्हें चलाने में मज़ा आता है, जो प्रैक्टिकल भी हैं, और इनमें से और कम हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। एथर 450X उस आखिरी श्रेणी में आती है। नई एथर 450X काफ़ी उमदा प्रोडक्ट है जो ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट लेकिन वातावरण का भी हुलिया बदलने की ताकत रखता है।